हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज हमारे साइंस की क्लास होने जा रही है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन। जी हाँ, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी में छोटा सा टॉपिक है या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक प्रैक्टिस जो फार्मर को करनी होती है ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन वो कौन इरिगेशन। अब इरिगेशन क्यों जरूरी है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इरिगेशन क्या है, क्यों जरूरी है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, यानी फसलों को पानी लगाना क्यों आवश्यक है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास नहीं देख पाए हैं तो आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में आई बटन आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करिए और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरे लास्ट क्लासेस हैं वो आप बिल्कुल देख पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन जो है वो कब हमें करना चाहिए या यूं कहें वो इफेक्ट कैसे होता है, इरिगेशन कैसे इफेक्ट करता है हमारा एनवायरनमेंट है या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ना, तो या किस फसल को कितना पानी, ये कैसे जो है अलग अलग होता है या एक जैसा होता है ये देखें हम यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो फैक्टर होते हैं इनपुट्स जो अफेक्ट करते हैं इरिगेशन को। फैक्टर जी हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, इरिगेशन को, तो उन फैक्टर को अफेक्टिंग इरिगेशन। फर्स्ट जो अब यहां पर हम फैक्टर देखें कि इरिगेशन को कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, किस किस फैक्टर का इंपैक्ट पड़ता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ क्रॉप सेकंड अगर मैं लेता हूं यहां पर सेकंड वन जो है नेचर ऑफ सॉइल मिट्टी कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और थर्ड है सीजन, थर्ड नंबर सीजन। तो जो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इरिगेशन को, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ क्रॉप, कुछ फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है और कुछ फसलों को जो है कुछ क्रॉप्स को कम पानी की जो है जरूरत रहती है। तो जो क्रॉप की नेचर है इसमें मैं एग्जांपल लूँ पैडी या राइस, तो हमने देखा है जो राइस है उसको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। तो देखो फैक्टर अब क्रॉप के हिसाब से अगर यहाँ देखें तो इरिगेशन की किस्में जो राइस की जो हमारी क्रॉप है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पानी की जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। हम देखते हैं जो फील्ड जो होता है खेत जो होता है वो हमारा भरा रहता है किससे, पानी से। तो जबकि दूसरी जो फसलें हैं अंबियर लैंड उनमें अगर हम देखें जो वीट है ना या बाजरा एक फसल होती है उनको पानी की थोड़ी सी क्या है कम जो है जरूरत होती है। तो बिल्कुल नेचर ऑफ जो क्रॉप है वो भी इरिगेशन को क्या करती है इफेक्ट करती है यहाँ पर। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो पैडी या राइस क्रॉप इसमें अगर लें ये राइस क्रॉप एक एग्जांपल है जो ज्यादा उसको किसकी पानी की जो है जरूरत रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरे अगर हम देखें चना है कॉटन, ठीक है, कॉटन ले लेते हैं हम यहां पर, वीट है। अगर इनमें कंपेयर करें तो देखो इसको तो ज्यादा पानी चाहिए और ये जो दूसरी फसलें हैं कंपेयर हैं इनको कम पानी की जरूरत होती है। इस तरह से नेचर ऑफ क्रॉप इंपैक्ट करती है। अब दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल,
तो सॉइल बालू जो मिट्टी होती है जिसके पार्टिकल्स जो है थोड़े कण जो है मोटे होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें कम होती है, ठीक है। तो जो सैंडी सॉइल है हमारे पास, सैंड जो होती है वो पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो पानी जो है वो निकल जाता है वहाँ से, ठीक है, एज ग्राउंड वाटर वो नीचे चला जाता है। तो हमें जल्दी जल्दी क्या है फसलों को पानी देना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सॉइल है वो भी क्या करती है, बिल्कुल इम्पैक्ट करती है यहाँ पर। अब सैंड सॉइल जो है सैंड सॉइल की अगर बात करें तो बड़ी जल्दी जल्दी हमें इसमें पानी देना पड़ेगा, बार बार जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा फसल को। मिट्टी अगर कैसी है, बालू मिट्टी है। दूसरा अगर हम यहां पर देखें, अगर क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल है तो क्या होगा, यहां पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है इसकी वो क्या होती है, मच होती है, इससे ज्यादा होती है। तो यहां पर जो फसलें लगी होंगी क्ले सॉइल में उनको हमें कम पानी यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वहां पर, इरिगेशन की कम, इसमें फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्ले सॉइल में। सैंडी सॉइल के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मच रहती है ज्यादा। तो जो चिकनी मिट्टी वाले जगह हैं, खेत हैं, जिसके पार्टिकल भी बहुत छोटे होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, मच होती है इससे, सैंड सॉइल से, बालू मिट्टी से, ठीक है। तो इसमें पानी कम देना पड़ता है फसलों को, यहाँ पर हमें ज़्यादा देना पड़ता है। और जो लास्ट डिफरेंस ये हमने किया है सीजन, तो जो सीजन होते हैं देखो, जो समर सीजन है गर्मियों में जो फसलें होती हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो बिल्कुल सीजन भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किसको, इरिगेशन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो समर सीजन है आपके, वहां पर इरिगेशन समर में यहां पर जो है ज्यादा पानी की जरूरत रहती है, ठीक है, मोर जो रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, इरिगेशन की। और जो दूसरी तरफ अगर हम देखें यहां पर जो विंटर है, ठीक है ना, तो विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी कम रहती है। तो यहां पर विंटर सीजन जो है विंटर में जो फ्रीक्वेंसी है वो ठंड में जो फसलें होती हैं उनको कम पानी की जरूरत रहती है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर इरिगेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है इम्पैक्ट कर रहे थे, तो नेचर ऑफ क्रॉप, फसल का प्रकार, क्रॉप कैसी है उस हिसाब से हमें पानी देना होता है, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, बाकी जो दूसरी फसलें हैं उनको कंपेयर दें कम पानी की जरूरत रहती है। सेकेंड हमने सॉइल का नेचर देखा, बालू मिट्टी है, सैंडी सॉइल है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बार बार इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, पानी देने की जरूरत पड़ेगी, जबकि अगर क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए कम बार फसलों को पानी देने की जरूरत होती है। फिर आता है सीजन, बिल्कुल सीजन भी, गर्मी के सीजन में फसलों को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, बार बार पानी देना पड़ता है, इरिगेशन की जरूरत रहती है, जबकि जो विंटर है, विंटर में हम ये देखते हैं कि कंपेयर देन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है। अब इरिगेशन के जो है हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स को देखेंगे कि किस किस टेक्निक से हम इरिगेशन को कर सकते हैं। तो कुछ मेथड यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं मेथड, इरिगेशन के मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें मेथड से पहले कि इरिगेशन कैसे पॉसिबल है, तो हम अच्छे से जानते हैं
river, रिवर्स हैं हमारे दिल्ली में, ठीक है, वो इरिगेशन में हेल्प करती हैं। रिवर्स के बाद पॉन्ड, कैनल, नहरें जितनी भी हैं, पॉन्ड्स, तालाब जो हैं वहां से इरिगेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। ट्यूबवेल, वेल, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तो ये जो हैं इरिगेशन में हम इन सोर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं या इनसे हम इरिगेशन कर सकते हैं। इसमें अगर हम और लेक को ऐड कर सकते हैं, लेक्स, ठीक है, और डैम जो है, डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, ये डैम्स, तो ये कुछ सोर्स हैं किसके, इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन के अगर हम सोर्स की बात करें तो हमारे पास रिवर्स हैं, कैनल, नहरें जो हैं वो एक अच्छा सोर्स होते हैं किसके लिए, फसलों को पानी देने के लिए। पॉन्ड्स हमारे पास हैं, इसके अलावा अगर हम देखें लेक, झीलों से भी कई जगह पर जो है खेतों को या क्रॉप्स को पानी दिया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कुछ मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, उन मेथड में कुछ तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुराने टाइम से हम काम में ले रहे हैं। तो मेथड ऑफ इरिगेशन अगर हम देखें तो पहले ट्रेडिशनल मेथड की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल मेथड पुराने टाइम से जो काम में लिए जा रहे हैं, जी हाँ, तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिस्ट में आता है मोड, मोड है। सेकेंड नंबर पर चेन पंप, चेन पंप हो सकता है, मोट, चेन पंप, ढेकली, ढेकली मोट हो गया, चेन पंप है, ढेकली है और वह, ये जो है सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं पुराने जमाने में जो है इन्हीं मेथड से क्या किया जाता था, इरिगेशन या सिंचाई की जाती थी, इनको यूज किया जाता था। आजकल इनका यूज ना के बराबर होता है, आजकल वह हम इनको यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं वो आ गई हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल मेथड में अगर ये 4 या 5 नेम अगर याद कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, क्वेश्चन यही पुट हो जाता है जिसमें क्या पूछा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो कौन कौन से हैं, मोड, चेन पंप, डेकली एंड रहर, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जिनका आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है, पुराने टाइम में जो है इनको यूज किया जाता था। अब जो आता है यहां पर, आजकल हम ज्यादातर जो देखते हैं मॉडर्न टेक्निक जो कुछ हैं इसमें अगर हम देखें, ये तो थी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल के बाद जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आजकल डीजल पंप बहुत ज्यादा जो है हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें यहां पर ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल जो है, तो ट्यूबवेल आप सभी ने देखा भी होगा,
उसको डीजल पंप की हेल्प से या इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से जो है जो कुएं का पानी है उसको या जमीन का जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या है बाहर पंप किया जाता है। ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारे घरों में पानी की मोटर जो ऊपर टैंक में पानी को शिफ्ट करने में काम में आती है, लगभग आप वैसा मान सकते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंस ये है कि ये क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को क्या करता है बाहर निकालता है। ट्यूबवेल क्या करेगा ग्राउंड वाटर को, और अमाउंट पानी की बहुत क्या होती है वहां पर ज्यादा होती है। तो अब अगर हम यहां पर देखें जो पंप हम यूज करते हैं तो इसको हम ट्यूबवेल या पंप्स भी बोल देते हैं। इनके थ्रू जो है हम क्योंकि रेन जो है बारिश वो एक अच्छा सोर्स है, लेकिन आजकल जो रेन है वो टाइमली नहीं हो पाती, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैक्सिमम जो इरिगेशन है वो ट्यूबवेल पर ही डिपेंड हो गई है। बारिश समय पर नहीं हो पाती है तो ज़्यादातर जो इरिगेशन जो है वो ग्राउंड वाटर को पंप करके ट्यूबवेल या पंप्स के थ्रू आजकल क्या है हम यूज कर रहे हैं। तो इस पंप्स के बाद जो और मॉडर्न टेक्निक अगर हम बात करें इसमें मॉडर्न मेथड में अगर हम देखें यहां पर स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, तो मॉडर्न मेथड तो इसमें जो फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड जो आता है हमारे पास स्प्रिंकलर के बाद ड्रिप सिस्टम। जी हाँ, ये दो मेथड ये आजकल जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं क्योंकि ये वाटर को भी सेव करते हैं, ये वाटर को भी क्या करते हैं सेव करते हैं बचाते हैं। तो आज हमने ट्रेडिशनल मेथड देखे इरिगेशन के, ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा जो है यूज हो रहा है पंप्स का, और मॉडर्न टेक्निक्स जो है जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम ये तो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे बारिश हो रही हो रेन हो रही हो, ठीक है ना, और ड्रिप सिस्टम। तो इन दोनों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।